السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अच्छा जी, गुज़िश्ता जो हमारा सबक था, गुज़िश्ता के हमारे सबक में हम पढ़ रहे थे तकसीम तरीका। देखिए, मेन मसाइल शुरू करने से पहले कुछ बातों का जानना समझना जरूरी होता है, ठीक है। जैसे ये आप अभी बुनियादी बातें समझ रहे हैं, इन बुनियादी चीजों का जानना जरूरी है। कई चीजें उनका इन्हिसार होता है कि पहले कुछ बातें मालूम की जाएं, ठीक है, तो फिर आप को जो है ना वो अगली बात समझ आती है, अगली बात है समझ आती है। जैसे मिसाल के तौर पर, वैसे मैं इस चीज को अच्छा तो नहीं समझता, लेकिन चले मैं एक सियासी मिसाल दे देता हूं। जैसे एक सियासी बयान आता है, वो सियासी बयान क्या आता है के कप्तान की वजह से आईएमएफ ने कर्जा दे दिया, और इस पे जो है वो लोग तनकीदाना यानी इसके ऊपर हंसी हो साथ। तो अब इस बात की समझ किसको लगेगी, यानी बिलफर्ज ये खबर है तो इसकी समझ किसे लगेगी, जिसको ये सारा बैकग्राउंड पता होगा कि वो इस कप्तान से मुराद कौन है और ये आईएमएफ के कर्जे का क्या मामला है, हैं? तो ये आपको सारा पता होगा तो आपको खबर की समझ आएगी, अदरवाइज आपको समझ ऐसा है कि नहीं है, लिख के बोल बताया करें ना साथ साथ, मुझे भी पता चले कि वाकई। बोले बोले, शाबाश। अच्छा, नहीं पता आपको, कुछ लोगों को नहीं पता, एक बंदा हंस रहा है और ठट्ठा मजाक बनाते हुए ये कह रहा है कि कप्तान की वजह से आईएमएफ ने कर्जा दे दिया है। सिर्फ पढ़ने पढ़ाने की तरफ ना रहा करें, कोई दुनिया से भी इंसान को पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है। बहरहाल जी, ये एक मिसाल मैंने दी थी बिलफर्ज। अब आप में अगर कोई कप्तान से कम मुहिब है तो वो ये ना कहे कि हमारे सर जो हैं वो कप्तान के बारे में बात कर रहे हैं, ये तो बड़ी जो है ना वो गैर संजीदा बात है। मैं किसी के हक में नहीं हूँ, तो ना ही ये सारे इस मुल्क के हक में कोई अच्छे हैं। अल्लाह ताला रहम फरमाए, अल्लाह ताला हमें साले क़यादत अता फरमाए, कहिए आमीन। अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान को नेक साले क़यादत अता फरमाए, अल्लाह ताला ये हमारे हालात पर रहम फरमा दे। बहरहाल, किस्सा मुख्तसर ये कि एक मिसाल देकर आपको बात समझाना मकसूद था कि एक खबर आपके सामने आए तो आपको तब तक उसकी समझ नहीं आएगी जब तक आपको सियाको सबाक, अगली पिछली बात, कुछ लवाजमात नहीं पता होंगे। उम्मीद है ये बात सबको समझ आ गई होगी। तो हम आजकल उन्हीं लवाजमात को सीख रहे हैं। तो हमने पीछे पढ़ा कि तरीका ये होता है, आज हम पढ़ेंगे विरासत के अरकान, शुरूत, असबाब और मवाने। आज की हमारी सुर्खी क्या है सबक की, के विरासत के अरकान, शुरूत, असबाब
मवाने, तो इंशाल्लाह एक एक को पढ़ते हैं। दूसरे उलूम की तरह इल्मे मीरास के भी अरकान, असबाब, शुरूत और मवाने, मवाने उल इर्स हैं, एक एक को इंशाल्लाह हल करते हैं, पढ़ते हैं। अरकान क्या है, अरकान क्या होते हैं? देखें जी, मिसाल के तौर पर हमारी इस क्लास के कितने अरकान हैं, हमारी इस क्लास के कितने अरकान हैं, यानी कितनी चीज़ों पर हमारी ये क्लास मुश्तमिल है। तो अगर हम कहें तो एक उस्ताद हो गया और दूसरे जो हैं वो शागिर्द हजरात हो गए, ठीक है, और तीसरा जो है वो आला क्लास हो गया, यानी क्लास लेने वाला आला, और चौथा जो है वो जूम या यूट्यूब हो गया। तो हमारी इस क्लास के अरकान कितने हैं, अगर हम बुनियादी अरकान क्लास के निकालें तो कितने निकलेंगे, चार। एक उस्ताद है जो पढ़ा रहा है, शागिर्द हजरात हैं जिनका मकसद पढ़ना है, जिनका मकसद क्या है, जिनका मकसद क्या है, पढ़ना है, गर्मी हो, सर्दी हो, खुशी हो, गमी हो, अल्लाह के कोई इंतहाई मजबूरी हो, उसके अलावा उनका काम पढ़ना है। ऐसा ना हो कि उस्ताद को झटका लगे कि पिछली से पिछली क्लास में 32-33 लोग थे, पिछली क्लास में अचानक से 22 लोग हो गए, 10 लोग गायब हो गए, और आज माशाल्लाह फिर जो है वो 32-33 लोग हाजिर हैं। तो शागिर्द हजरात हैं और फिर जो है वो आला एक क्लास, यानी क्लास किसके ऊपर ले रहे हैं, मोबाइल पे ले रहे हैं, या क्लास जो है वो किस पे ली जा रही है जी, लैपटॉप पे ली जा रही है, फिर जूम या यूट्यूब के जरिए। तो ये होते हैं अरकान, ये क्या होते हैं, अरकान। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी अरकान की, हैं? चलें जी, तो विरासत मीरास के कितने अरकान होते हैं, मीरास के तीन अरकान होते हैं, मीरास के कितने अरकान होते हैं, तीन। कौन कौन जी, मरने वाला, ठीक है, नंबर एक, नंबर दो वरासा, यानी वो जिंदा लोग जिन्होंने मरने वाले का क्या बनना है, वारिस बनना है, और नंबर तीन जायदाद, जमीन जायदाद में सब कुछ आ जाएगा, या विरासत। ये जो मरने वाला है इसको कहते हैं मुवर्रिस, मैंने पहले भी आप लोगों को यह समझाया था, मरने वाले को क्या कहते हैं, शाबाश शाबाश, मरने वाले को क्या कहते हैं, मुवर्रिस, मरने वाले को क्या कहते हैं, मुवर्रिस, यानी जिसने वारिस बनाया है, मुवर्रिस। और वो रसा कौन होते हैं, वो जिंदा लोग जिन्होंने वारिस बनना है, वो जिंदा लोग जिन्होंने वारिस बनना है। और जायदाद वो माल होता है जो वो छोड़ जाए, वो माल होता है जो मरने वाला छोड़ जाए। किताब पे देखें तो देखें जी, जैसे हमने बताया बिल्कुल वैसे ही आपको किताब पर चीजें मिलेंगी। मीरास के तीन अरकान है, इनमें से अगर एक रुकन भी कम हो तो मीरास का वजूद नहीं होगा, यानी ये सारे होंगे तो विरासत होगी, अदरवाइज विरासत नहीं होगी। वो कौन कौन है जी, मुवर्रिस। मुवर्रिस किसे कहते हैं जी, इससे मुराद मैयत है जिसकी जायदाद को वारिसों के दरमियान तकसीम किया जाता है, जिसकी जायदाद को वारिसों के दरमियान तकसीम किया जाता है। अच्छा, मैं ना एक और बात भी बता दूं, बल्कि ये हम आगे पढ़ेंगे, और ये बात भी जहन में रखें। अच्छा, ये सारे पढ़ लेते हैं तो फिर मैं बताता हूँ, ये भी एक बड़ा अहम मसला है, हमारे पढ़े लिखे समझदार बंदों को इस बात का नहीं पता, यानी अच्छे भले समझदार इलम से ताल्लुक रखने वाले लोगों को इस बात का नहीं पता, वो मैं बताता हूँ वो क्या है। तो एक तो हो गया जी मुवर्रिस, दूसरा हो गया वारिस, ये मैयत का वो रिश्तेदार है जो मैयत के तरीके का हकदार होता है। ये तारीफें जुबानी याद करनी है,
ये मैयत का वो रिश्तेदार है जो मैयत के तरीके का हकदार होता है, यानी वारिस से मुराद वो रिश्तेदार जो मैयत की जायदाद का हकदार बनता है, और मोरूस से मुराद, इससे मुराद मैयत की जायदाद है, चाहे वो नकदी की सूरत में हो या जरी जमीन या मकान हो। ठीक है, जरी जमीन या मकान हो। अच्छा, अब एक बात समझ लेंगे, बात आगे भी आएगी, लेकिन चलें, अब मैंने आपको कहा है तो मैं आपको भी बता देता हूं। तो भाई, विरासत के लिए जो जिसकी जायदाद का आपने वारिस बनना है, जरा मुझे बताएं, जिसकी जायदाद का आप वारिस बनते हैं उसको क्या कहते हैं? जिसकी जायदाद का आप वारिस बनते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे आप क्या कहते हैं? मुवर्रिस, वारिस नहीं, मुवर्रिस। क्या कहते हैं? मुवर्रिस। मुवर्रिस का माना क्या होता है? वारिस बनाने वाला, वारिस बनाने वाला यानी मैयत। अच्छा, वो ये इस मुबर्रिस का मरना जरूरी है, ये बात भी ज़हन में रखें। अगर ये फोत नहीं हुआ तो जायदाद नहीं बंटेगी, वो बात ज़हन में आ रही है। अगर मुबर्रिस जिंदा है तो कोई जायदाद जुदूद नहीं होती। अभी शायद आजकल की बात है, हमारी एक स्टूडेंट है तो वो मुझे पूछने लगी, अब ऐसा भी ना हो कि शायद वो क्लास में भी हो, बहरहाल मैं कौन सा नाम ले रहा हूँ तो मसला तो आया ना, वो पूछने लगी कि मैं अपनी विरासत तकसीम करना चाहती हूँ तो मैं कोई वसीयत लिख दूँ अपनी बेटी के नाम, मेरी बेटी को ज्यादा हिस्सा मिल जाए। तो पहली बात तो ये कि भाई, मैंने बताया आपको, इधर भी बताया कि वसीयत जिसको विल आप कहते हैं, वो तो होती ही उनके लिए है जिन्होंने आपकी जायदाद का वारिस बनना ही नहीं, और वो होती भी कितने की है? 1/3 की। ठीक है, और 2-3 दिन पहले की बात है, आपके ही यानी ग्रुप मेंबरान में से किसी ने पूछा कि एक बंदे के पास ना जी 13 लाख रुपया है, तो वो ये जायदाद तकसीम करनी है, ये विरासत तकसीम करनी है। मैंने कहा कि ये 13 लाख किसके पास है? कहते हैं कि अब्बा के पास है ये 13 लाख, तो अब्बा की विरासत तकसीम करनी है। अल्लाह हिदायत दे आपको, अब्बा भी जिंदा है तो विरासत कैसे तकसीम होगी? यानी ये जुमला भी एक लिहाज से गुस्ताखाना बनता है कि वालिद जिंदा है और उसकी विरासत तकसीम करनी है। वो विरासत का ताल्लुक ही बनता है कब है? कि जब वो बंदा फोत हो जाए, जिंदगी में विरासत होती नहीं है। ठीक है, अब कोई मुझे कहे कि आपकी विरासत तकसीम करनी हो, भाई मैं तो जिंदा हूं, विरासत तो तब होती है जब बंदा मर जाए, फोत हो जाए। फिर कुछ अल्लाह के बंदे पता क्या यहां तक पूछते हैं, अच्छा यानी ये जिस बंदे ने सवाल पूछा ना 13 लाख वाला, अगर वो सुन रहा है तो माइंड ना करे, उन्होंने साथ ये भी पूछा कि 13 लाख में से वाइफ का हिस्सा क्या बनेगा। यानी वो समझते हैं कि वो जो 1/8 या 1/4 वाइफ का हिस्सा है वो वैसे देना हो। भाई जब ये जायदाद है ही नहीं तो इसमें हिस्से किधर से आ गए है? बात समझ आई है? ये पॉइंट भी अच्छी तरह समझ लीजिए, बाकी आगे भी क्लियर होगा, यानी आगे इस पे गुफ्तगू आएगी। ये तो बरसरे गुफ्तगू दरमियान में आ गया, तो मैंने असबाबुलिर्स यानी किस वजह से आपको विरासत मिलेगी, कोई वजह भी होनी चाहिए ना, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाथ खड़ा करें कोई बंदा, आप में से कोई बंदा हाथ खड़ा करे। अच्छा जवेरिया, आप बोले शाबाश, माइक खोलें अस्सलाम जरूर। वालेकुम, हाँ
वालेकुम ऐसा अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, जैसे आपने बताया कि हमें कोई खबर कोई बताई जाए, तो जब तक हमें उसकी वजह का ना पता हो, सैकड़ों बात का ना पता हो, हमें उस खबर की समझ नहीं आएगी। इसी अच्छा भाई, तरह जब कोई मर मैं जाता है, सबक नहीं सुन रहा, मैंने वैसे हाथ खड़ा करवाया है, मैंने आपसे सबक के मुतल्लिका कुछ डिस्कशन करना है। मैं समझी शायद आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं नहीं, कि सवाल नहीं पूछ गदा रहा। कौन सी होती है। ओके नहीं, अच्छा, okay. तीन वजूहात होती हैं जिन वजूहात की बिना पे असबाब इर्थ, यानी किस वजह से कोई किसी का वारिस बनेगा। जैसे मिसाल के तौर पर फातिमा नदीम, आप अपना माइक खोलें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके वालिद जिंदा हैं? जी सर, वालिदा? जी सर, अच्छा, आपके दादा अब्बू तो फोत हो गए होंगे, कि वो भी जिंदा है? हाँ जी, उनकी डेथ हो गई है। उनकी डेथ हो गई है। मैं आपको ये कहूं कि मैं आपके दादा की जायदाद का वारिस हाँ जी, हूं, आप कहेंगे क्या पूछेंगे, आपका क्या आगे से जवाब होगा? क्योंकि विरासत उन्हीं में तकसीम होती है ना, जो असबाब हैं, वो या आप कहेंगे तो ताल्लुक क्या है, ताल्लुक है। हाँ जी, देखिए आपकी निस्बत क्या है, किस सबब से आप कह रहे हैं कि आप मेरे दादा की जायदाद के वारिस हैं? कोई खूनी रिश्ता है? हाँ जी, कोई खूनी रिश्ता है? नहीं, को मतलब कोई कोई आपको बताना पड़ेगा ना, तो वारिस है। ऐसे तो नहीं ना कोई किसी का वारिस हो जाता। तो जी सर, सबब कोई होता ताल्लुक है नहीं होनी ये चाहिए। निस्बत, ये ताल्लुक। तो ये मैंने सवालन जवाबन इसलिए बात की कि जरा आसानी से समझ आ जाए। असबाब इर्स तीन है, अन्नसब, अन्निका, अलवला। अन्नसब नसब से मुतालिक, नसब इससे मुराद खूनी रिश्ता और कराबत है जो वारिस और मुवरिस के दरमियान विलादत की वजह से होता है। ये रिश्ता मैयत की औलाद, बेटा बेटी, पोता पोती और मैयत के अबाव अजदाद, बाप दादा दादी नाना और मैयत के बहन भाई और चचाओं पर मुश्तमिल होता है। यानी नसब से मुराद है रिश्तेदारी। इस रिश्तेदारी में कौन कौन आते हैं? ये रिश्तेदारी चार तरफ जाती है। ये रिश्तेदारी कितनी तरफ जाती है? चार तरफ जाती है। वो चार तरफें कौन सी हैं? नीचे नीचे से मुराद, देखें तवज्जो, पहले ये जो रिश्तेदारी होती है, ये चार जो अतराफ हैं वो कौन सी हैं? नीचे नीचे से मुराद क्या? बेटा पोता बेटी, ये नीचे आ गया, ठीक है। ऊपर ऊपर से मुराद बाप दादा, ठीक है। और फिर साइडों में, साइडों से क्या मुराद है? आप किसे कहते हैं मेरे बाजू? हाँ जरा बोलें, बाजू अमूमन किन्हें कहा जाता है? बहन भाइयों को? नहीं, बीवी बाजू नहीं होता, बहन भाइयों को, बहन भाई। मुमन बहन फोत हो जाए तो बहन अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहती है मेरी मेरी बाजू थी। भाई फोत हो जाए तो भाई कहता है मेरा बाजू था, ठीक है। तो ये तीन सूरतें हो गई। चौथी सूरत होती है साइड, साइड के साथ प्लस ऊपर। इसका क्या मतलब? इसके मतलब चचे। साइडें किसकी? वो आपकी साइड तो नहीं है, आपके वालिद की साइडें हैं और फिर आपसे मकाम में ऊपर हैं। इसकी डिटेल तफसील आगे आएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तो जरा बस थोड़ा सा हम आपके जहनों में थोड़ा सा अभी बातें बिठा रहे हैं ना, आगे हर एक की जो आपके जहन में सवाल आ सकता है उसकी डिटेल तफसील आगे सारी आएगी। ये जजाक अल्लाह, किसी ने पुप्पो भी लिखा है तो ये भी ठीक है, चचा फुफ्फो ये सारे इसमें आ जाते हैं।
ठीक है। बहरहाल जी, तो नसब, नसब के बाद दूसरा क्या है? निकाह। निकाह इससे मुराद वो निकाह है जो अकदे सही के जरिए वाकई हुआ, चाहे खलवत और मुजामत हासिल ना हुई हो। इसमें खामंद और बीवी में से किसी एक की वफात के बाद दूसरे की जायदाद के वारिस बनते हैं। बातिल निकाह की सूरत में एक दूसरे के वारिस नहीं होते। अच्छा, निकाह कौन सा होना चाहिए? निकाय सही होना चाहिए, निकाय सही होना चाहिए, तब वो वारिस बनेंगे। निकाय सही क्या होता है, इस पे भी गुफ्तगू हो जानी चाहिए मेरे ख्याल में। निकाय सही, ये बात ज़हन में रखें, सही निकाह के लिए नंबर एक, सही निकाह के लिए गवाह ये होने जरूरी है। सही गवाह के लिए वली होना जरूरी है। किसका? लड़की का, लड़के का नहीं, लड़का अपना खुद वली होता है, ठीक है। और तीसरी चीज, लड़की का इजाबो कबूल है, इजाबो कबूल। फिर इसी तरह जो है वो मिसाल के तौर पर खुतबा, लेकिन खुतबा अलग साइड में चला जाता है, यानी मेन चीजें यही हैं, ठीक है। अच्छा, इस बात को जहन में रखें, चार गवाह नहीं होते, गवाह दो होते हैं, वो कुछ शादी के गवाह होते हैं। सवाल अगर कोई आया तो वो आखिर में होगा, फिलहाल बात को समझें। अच्छा जी, गवाह होने जरूरी हैं शादी के, ठीक है, जो शादी के गवाह हों। वो दो गवाह ना वो लड़की के वली के होते हैं। ये जो इन्होंने पूछा ना कि चार गवाह, वो उमूमन जो दो गवाह होते हैं वो लड़की के वली के गवाह, लड़की का वली होना जरूरी है। अगर गवाह नहीं है, लड़की का वली नहीं है, वली बाप हो सकता है, वली जो है वो भाई हो सकता है, चचा हो सकता है, कोई भी वली हो सकता है। और ये बात भी जेहन में रखें, अगर असल वली जो है वो सही ना हो तो वली तब्दील हो सकता है। मसलन एक लड़की तौहीद परस्त है, अकीदाए तौहीद पर कारबंद है, किताबो सुन्नत की पाबंद है, लेकिन उसका वली जो है वो दुनियादार और मुशरिक है, मिसाल के तौर पर वली मुशरिक है, और वो चाहे कि मैं अपनी, वो चाहे कि मैं इसकी शादी जो है वो मुशरिकों के साथ करवा दूं, तो ऐसी लड़की अपना वली चेंज कर सकती है। वो अपने किसी चचा को, किसी मामू को अपना वली बनाकर तो निकाह कर ले, ठीक है। और अगर ऐसे भी ना हो तो ऐसे केसेस में तो कोर्ट मैरिज की भी इजाजत बाद अहले इल्म दे देते हैं, बाद अहले इल्म दे देते हैं। इवन के हमारे एक शेख हैं, उनका मौकफ तो ये था कि वली अगर लड़की जो है वो सहीउल अकीदा है और उसके वालिदैन उसका सहीउल अकीदा की तरफ निकाह नहीं कर रहे और लड़की कोई शरी खराबी ना हो, मसलन बदकारी, छुपी यारी ना हो, ठीक है, तो वो अगर निकाह कर लें तो ये दुरुस्त होगा, यानी कोर्ट मैरिज कर लें अगर ऐसी सूरत में तो ये दुरुस्त होगा, अदरवाइज नहीं। लड़की का वली, इस सूरत में भी लड़की का वली होता है, ये बात ज़हन में रखना, वो हुक्मरान वली बन जाता है या जज वली बन जाता है, लेकिन भागने वाले रिश्ते में नहीं, जो लड़कियां भागती हैं वो नहीं, क्योंकि वो तो वली, असल वली को छोड़ के भागे हैं ना, और वहां पे तो मकसद ही छुपी यारी है, और छुपी यारी जहां पे यारी सबब बने ना निकाह का, वो निकाह होता ही नहीं। और इजाबो कबूल। अच्छा, यहां पे एक और बात भी बता दूं, छुपी यारी का क्या मतलब होता है, छुपी यारी का क्या मतलब होता है? देखें जी, छुपी यारी का ये छुपी यारी में नहीं आएगा, इस बात को समझ लीजिए।
कि मिसाल के तौर पर एक मर्द है और एक औरत है, मर्द औरत एक दूसरे को पसंद आ जाते हैं, औरत को मर्द पसंद आ जाता है या मर्द को औरत पसंद आ जाती है, तो वो एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, कोई गलत काम नहीं करते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान सबसे बेहतरीन चीज क्या है, निकाह है, निकाह। और आप कुरान मजीद को पढ़े ना तो कुरान मजीद में इद्दत के अहकामात में ये बात मौजूद है कि इद्दत के अंदर अगर औरत किसी के साथ इशारा किनाया कर ले, अगर औरत किसी के साथ क्या कर ले, इशारा किनाया कर ले, तो इशारे किनाए की शरीयत ने इजाजत दी है। इद्दत के दौरान अगर शोर का औरत किसी औरत का शोर फोत हो गया या किसी औरत को जो है वो तलाक में तो नहीं इशारा किनाया भी दुरुस्त नहीं तलाक में, क्योंकि तलाक में शोर के पास रुजू का हक होता है, तो वो इद्दत के दौरान कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मना फरमाया कि तुम जो है ना कोई मर्द किसी औरत से पुख्ता है तो पैमान ना ले कि इद्दत खत्म हो गई तो हम निकाह कर लेंगे। हाँ इशारा किनाया हो सकता है, इशारा किनाया कहाँ होता है, जहां पे पसंद हो, ठीक है। चूंकि निकाह की बात चल रही है तो हमारे यहाँ निकाह के मुतल्लिका भी कई गलत चीजें मौजूद हैं, हम जैसे गलत चीज को प्रमोट नहीं करते, इसी तरह शरीयत ने जो जायज चीजें करार दी हैं, जायज चीजों को इख्तियार ना करना ये भी ज्यादती और जुल्म है। जैसे निकाह में अगर लड़की लड़के को पसंद आ जाता है, लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, कोई दुनियावी वजह नहीं है, कोई छुपी यारी वाला चक्कर नहीं है, कोई इश्क माशूकी वाला सिलसिला नहीं है, वैसे ही उफ है, बराबर है, लड़का देखता है मेरे रंग ढंग की है, लड़की देखती है मेरे रंग ढंग का है, तो ये पसंद कर लेते हैं, कोई गलत काम नहीं करते, तो ऐसी सूरत में निकाह हो तो वो छुपी यारी नहीं है, इस बात को ज़हन में रखें। अच्छा जी, और एक और बात, निकाह की बात चल रही है, यहाँ पे कुछ वालदैन भी होंगे, पेरेंट्स भी होंगे, और ये मसला कॉमन जो है वो हमें देखने को मिलता है, लड़कों की तरफ से भी ये शिकायतें आती हैं और लड़कियों की तरफ से भी आती हैं, वो है लड़के और लड़की का एक दूसरे को देखना। लड़के की तरफ से ये शिकायतें आती हैं कि हमें लड़की दिखाते ही नहीं है और हमारा रिश्ता कर देते हैं, या तस्वीर दिखाते हैं और तस्वीर में लड़की वैसे नहीं होती जैसे रियलिटी में होती है, होनी चाहिए, तो तस्वीर में तो कुछ भी हो सकता है ना, मुख्तलिफ किस्म के वो सॉफ्टवेयर हैं, तो तस्वीर में तो लड़की खूबसूरत नजर आती है लेकिन हकीकत में वैसी नहीं है। और लड़कियों के भी गिले शिकवे होते हैं कि हमें शक्ल ना शक्ल देखी ना सूरत देखी, हमें हमारी उससे शादी कर दी। शरी तौर पर, शरी तौर पर जो मैं समझता हूँ कि वालदैन को भी चाहिए, और जो वालदैन ऐसे नहीं करते तो ये झूठी गैरत की शरीयत के अंदर कोई जगह नहीं है। सबसे ज्यादा करीब तरीन और बरकत वाली चीज जो है ना, जो मैंने किताब व सुन्नत की नुसूस से समझा है, और बाद औकात यानी लड़कियां पर्दे वाली हैं तो वो कहती हैं कि नहीं ये तो दुरुस्ती नहीं, और नहीं भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बरकत वाला काम है। वो क्या है, मैं ये समझता हूँ कि मिसाल के तौर पर लड़का कमरे में बैठा है, लड़की को कहो कि जाओ लड़के को चाय दे आओ, और एक या दो मिनट या पांच मिनट के लिए उन्हें अकेला छोड़ दें, लड़की आए चाय दे, लड़का अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है, ठीक है, और सुनाए खैर वाफियत, ठीक, बस इस हद तक, और वापस चले जाएं। ये आजमूदा बात है कि इस रिश्ते में बरकत आएगी, यानी अगर इस तरह दोनों ने एक दूसरे को देख चाक लिया, सलाम दुआ कर लिया, इसके बाद जब निकाह होगा तो इंशाल्लाह ये निकाह बरकत वाला होगा। और कैसे ना बरकत वाला हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बाइसे बरकत वाला करार दिया है, आपकी जुबान ने जब इसे बरकत वाला करार दिया है तो कैसे नहीं हो सकता। बाकी हमारे खानदान में ऐसा नहीं होता, हम लड़की नहीं पहले दिखाते, ये सब गलत है। और बाद औकात तो ऐसे केसेस आते हैं
कि लड़कियां कहती हैं हम अपने माँ बाप का गिरेबान पकड़ेंगी कि उन्होंने हमारे साथ ये जुल्म ज्यादती की है, पर बाद औकात लड़के कहते हैं कि हम अपने माँ बाप का जो है ना, वो लड़के शिकायतें करते हैं कि हमारे लिए हमारे माँ बाप ने क्या कर दिया। तो शक्लन सूरतन ये देख लेना मुनासिब है निकाह में, ना पसंद आए तो कोई बात नहीं, नो इशू, इनकार कर दिया जाए। और ये इनकार का लड़की को भी पूरा हक है, सिर्फ लड़के को नहीं, लड़की को भी पूरा पूरा हक है। अगर उसे लड़का नहीं पसंद आता शक्लन सूरतन, हमारे यहाँ अमूमन लड़के तो चाहते हैं कि सोनी सुनक्की खूबसूरत लड़की हो, लेकिन लड़की से कोई पूछते ही नहीं भी तेरा शोर भी तुझे अच्छा लगा है कि नहीं लगा। तो इस्लाम ने सबके हुकूक महफूज रखे हैं। चलें जी, बहरहाल ये सही निकाह है। अच्छा, इसके ऊपर इतनी गुफ्तगू क्यों कर दी? इसलिए कर दी कि भाई ये आगे सारे रिश्ते नसब ये सब निकाह की वजह से ही तो चलेगा। तो विरासत भी साथ साथ पढ़े, साथ साथ हमारे जो समाजी मसाइल हैं, मुआशरती मसाइल हैं, उन पे भी थोड़ी बहुत गुफ्तगू हो जाए। अच्छा जी, ऐसा होता है, हमें पहल करनी चाहिए, हमें पहल करनी चाहिए। होता है, क्यों नहीं होता? कुछ नहीं होता, इस बात को ध्यान में रखें। मैं यानी एक वायदाना टॉपिक की तरफ नहीं जाना चाहता, हम विरासत पढ़ रहे हैं, यानी ये एक यानी यूं ना हो कि मैं वादो नसीहत कर रहा हूं, लेकिन इस बात को जहन में रखें, आप खुद मजबूत होने चाहिए। अगर आप मर्द हैं तो मर्द बने, आप घर के सरबराह हैं तो बने। लोगों का क्या है, हमने अल्लाह को जवाब दे होना है, लोगों को नहीं जवाब दे होना। किसी रिश्ते के अंदर वफा नहीं है, सबसे बड़ी वफा यह है कि बंदा अपने रब से वफा करे। जिन चीजों की रब ने इजाजत दी है उन चीजों को नाफिज करें। ऐसे खानदान मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी मौजूद हैं ऐसे अच्छे खानदान। अच्छा जी, तो गलत निकाह कौन कौन से हैं? ठीक है, वो है जी निकाह मुता हो गया, और हलाला हो गया। ठीक है, हलाले के बारे में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने हलाला करने वाले और करवाने वाले दोनों पर लानत फरमाई है। ठीक है, और जिस निकाह में वली ना हो, कोर्ट मैरिज, ये सब गलत निकाह में आते हैं। इसके बाद आगे चलें जी, इसको दरमियान में छोड़ दें, ये तीसरे पे आ जाएं। वला, वला क्या होता है? मैं बस 5 मिनट और आपके लूंगा, उसके बाद सबक को वाइंड अप करते हैं। वला क्या होता है? पुराने जमाने में एहसानुल हक हाशमी, आपका सवाल मैं आखिर में लूंगा। अच्छा, ये वला क्या होता है? पुराने जमाने में आपको पता है कि गुलाम होते थे, और आपको ये भी पता है इस्लाम ने गुलामों को आजाद करवाने पे जोर दिया है कि गुलामों को आजाद किया जाए। मिसाल के तौर पर जैद नामी एक शख्स जो है, ये गुलाम है। जैद कौन है? गुलाम है। खालिद जो है वो इसको आजाद कर देता है, यानी वो इसको खरीदता है और खरीद कर जैद को आजाद कर देता है। अब खालिद क्या बन गया? मालिक। और जैद क्या है? गुलाम। तो होता ये था कि जब ये गुलाम मरेगा, अगर गुलाम के रिश्तेदारों में कोई उसका वारिस नहीं है, तो जिस मालिक ने उसको आजाद किया था वो मालिक उसका वारिस बन जाता है। लेकिन ये सिर्फ गुलाम का वारिस मालिक बनेगा, मालिक का वारिस गुलाम नहीं बन सकता। इस बात को जहन में रखिएगा, अगर एक बंदा गुलाम था, उसे किसी ने लेके आजाद कर दिया, जिसने उसको लेके आजाद किया वो उसका मालिक बन गया। अब ये गुलाम जो है, जब ये मरेगा, अगर तो इसके अपने वारिस हैं, बेटा बेटी पोता पोती हैं, फिर तो वही वारिस बनेंगे। अगर मिसाल के तौर पे इसके अपने वारिस नहीं हैं, इसका कोई अपना वारिस नहीं है ऐसे,
तो फिर इसको आजाद करने वाला जो इसका मालिक है, जो इसका आका है, वो इसका मालिक बन जाएगा। अलबरा से मुराद वो कराबत है जिसको इस्लाम ने आका और उसके आजाद करदा गुलाम के दरमियान बनाया है। आजाद करदा गुलाम की वफात के बाद वो आका उस गुलाम की जायदाद का वारिस होगा, बशर्ते के गुलाम का कोई शरी वारिस मौजूद ना हो, जैसा कि हदीस बरीरा में है, इन्नमल वलाउ लिमन आता का, वला उसकी होती है जिसने आजाद किया, यानी वला मालिक की होती है, वला किसकी होती है, मालिक की होती है। तो वला क्या है, ये एक ताल्लुक है, जिस तरह नसब एक ताल्लुक था। नसब जो है वो ताल्लुक होता है बाप बेटे, बाप बेटे दादे चचा इनके दरमियान, और वला ये ताल्लुक किसके दरमियान होता है, आका और उसके गुलाम के दरमियान। इसी तरह ये हदीस है, अलवलाउ लुहमतुन कलुहमतिन नसब, अलवलाउ वला लुहमतुन, ये एक ताल्लुक है, लुहमतुन का माना क्या है, ये एक ताल्लुक है कलुहमतिन नसब, नसब के ताल्लुक की तरह, नसब के ताल्लुक की तरह। वला की समझ आ गई जी। अब बोलें, किसी का कोई सवाल है तो बोलें। आज हमने ये तीन ताल्लुक पढ़े हैं कि तीन ताल्लुकों की बुनियाद पर आप जो है वो वारिस बनेंगे, ठीक है। आज माशाल्लाह सही लोग लाइव हैं, 40 के करीब लोग जूम पे लाइव हैं, और 10-15 लोग जो हैं वो YouTube पे भी लाइव हैं। तो ये इसी तरह जारी रहना चाहिए, और आज से आपकी प्रॉपर अटेंडेंस लग रही है, समझ आ रही है बात आप लोगों को। और अगर किसी ने अपनी अटेंडेंस दर्ज नहीं करवाई, मैंने आपको ग्रुप में नंबर भेजा था कि ये एडमिन टीचर का नंबर है, आपने उस नंबर पे अपना नाम, मेरा नाम ये है मिसाल के तौर पर, मेरा नाम जी खालिद है मिसाल, और मैं इल्मे विरासत कोर्स से हूँ, बस इतना लिख के मैसेज करना है, आगे ऑटोमेटिक आपकी हाजिरी सारी दर्ज हो जाएगी। और जब आप लाइव क्लास में होंगे तो आपकी हाजिरी ऑटोमेटिक लग जाएगी, और अगर आप लाइव क्लास में नहीं हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आज कौन नहीं है लाइव क्लास में, मैं वैसे देखूं तो मिसाल के तौर पर मैं किसी स्टूडेंट के नाम ले देता हूं, जरा मिसाल है अतीका है, अतीका हमायूं है, अगर बिलफर्ज ये कल क्लास में नहीं है, इनकी गरादरी लगे तो हम इनसे पूछेंगे, भई आपने छुट्टी ली है, मैसेज किया है हमें कि मुझे छुट्टी चाहिए, ठीक है। तो ये ज़रूरी है, ये इतनी पूछ गुछ है ज़रूरी है, अगर पूछ गुछ ना करें तो ऑटोमेटिक आप में सुस्ती आ जाती है। जैसे शायर ने कहा था ना शायर ने एक बात कही थी, क्या कहा था उसने, कहा था कि तेरे दिल में उतर जाना ज़रूरी हो गया था, तुझे भूल जाने की सजा देनी थी, तो आप पर ये थोड़ी सी सख्ती करना ये ज़रूरी हो गया है। इसलिए ज़रूरी हो गया कि जब क्लास शुरू होती है तो माशाल्लाह जो है वो इतने स्टूडेंट्स होते हैं, जब कोर्स एंड होता है तो माशाल्लाह जी वो 2-4 ही रह जाते हैं, तो ये नहीं दुरुस्त। तो इसलिए ये हमने अब अटेंडेंस का सिस्टम शुरू किया है ताकि ये जो है वो मैनेज रहे क्लास। जी मैंने क्लास ग्रुप में दिया हुआ है नंबर, 0326 वाला नंबर है, वो नंबर किसी टीचर का है, कोई उस पर और ना सवाल करे, यानी वो मेरा नंबर नहीं है, ठीक है, वो बस एक टीचर का नंबर है, और उनकी ये ड्यूटी है कि वो आपकी हाजिरी मैनेज करेंगे। सवाल करते हैं, एक आदमी फौत हो गया, उसकी औलाद भी है, वालिद भी है, और अपने दादा की अकदार होगी, ये इंशाल्लाह ना आगे चीज़ें हल हो जाएंगी, ये सवाल इंशाल्लाह आपके हल हो जाएंगे। सबक से मुतल्लिका किसी का कोई सवाल है तो वो पूछें जी। एहसानुल्लाह काशमी, आपने क्या पूछना है जी। सर जी ये सवाल करते हैं, मैं इस सवाल को पहले रिकॉर्ड कर लूं, इसका जवाब रिकॉर्ड कर लूं। सवाल करते हैं कि अपनी जिंदगी में तो विरासत होती नहीं, तो अगर कोई बंदा अपना माल अपनी जिंदगी में देना चाहे तो वो क्या होगा,
उसकी उसको कैसे वो तकसीम करेगा, तो अपनी जिंदगी में जो देगा वो हिबा होगा, तोहफा होगा, हदिया होगा। उसकी रेशो क्या होगी, अगर मसलन औलाद को देता है तो बराबर बराबर देगा, बेटों को भी बराबर, बेटियों को भी बराबर। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि कुछ को दे कुछ को ना दे, सारी औलाद को देना पड़ेगा, सिर्फ एक को नहीं दे सकता, आधों को नहीं दे सकता, आधों को दे आधों को ना दे, ऐसे भी नहीं हो सकता। और फिर बेटे बेटियों सबको बराबर देगा, इसमें वो तकसीम नहीं होगी कि बेटियों को आधा और बेटों को पूरा। इसी तरह मिसाल अगर बीवी को देता है गिफ्ट है, तो अगर एक से ज्यादा बीवियां हैं तो सबको देगा, ऐसे नहीं है कि एक बीवी को तो दे दिया दूसरी बीवी को ना दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो बाकी इसके अलावा जो बाकी रिश्तेदार हैं उनमें फिर वो खुद मुख्तार है, मसलन माँ है माँ को जितना मर्जी दे दे, बाप है बाप को जितना मर्जी दे दे। ठीक है,